नमस्कार दोस्तों, आपका बायोपीडिया पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स सिटकॉम वेब सीरीज़ के मोस्ट डैशिंग एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने रॉस गैलर का रोल प्ले किया था और उनका नाम डेविड श्विमर है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेविड एक अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। डेविड का पूरा नाम डेविड लॉरेंस श्विमर है। इनका जन्म नवंबर 2, 1966 को फ्लशिंग, क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। इनका निकनेम रॉस और स्नैरो है। इनकी मदर का नाम आर्लीन और फादर का नाम आर्थर श्विमर है। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम एली है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बेवरली हिल्स हाई स्कूल से की है। इन्होंने बताया है कि जब ये उस स्कूल में थे तब इन्हें एक आउटसाइडर की तरह लगता था, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन थिएटर एंड स्पीच में ग्रेजुएशन की है। लेट 1980s में ये एक स्ट्रगलिंग अनएम्प्लॉयड एक्टर की तरह लॉस एंजलिस में रहते थे, तभी इन्हें 1989 की मूवी अ डेडली साइलेंस में एक सपोर्टिंग रोल प्ले करने का मौका मिला। उसके बाद ये 1990s में कई सारे टीवी शोज पर दिखे, जैसे ला लॉ, द वंडर ईयर्स, NYPD, ब्लू एंड मॉन्टी। इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू करा जब इन्हें फ्रेंड सीरीज में रॉस गैलर का एक होपलेस रोमांटिक पेलियंटोलॉजिस्ट का रोल प्ले करने को मिला। इन्होंने पहले रॉस के रोल को प्ले करने से इनकार किया, मगर उसके बाद ये मान गए। 1996 में इन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द पॉल बेरर एंड ग्वेनेथ पाल्ट्रो में एज अ लीड एक्टर देखा गया। 1998 में इनकी दूसरी मूवीज आई, किसिंग अ फूल, 6 Days, 7 Nights एंड एप्ट प्यूपल। 2000 में ये कॉमेडी शो पिकिंग अप द पीसेज ऑफ मैं वुडी एलन और शेरन स्टोन के साथ काम कर चुके हैं। 2001 में इन्होंने एक वॉर ड्रामा में यिट्ज़ाक ज़ुकरमैन का रोल प्ले किया। फ्रेंड्स सीरीज के बाद इन्होंने 2005 में एक इंडिपेंडेंट ड्रामा ड्यूएन होपवुड में एक टाइटल कैरेक्टर का रोल प्ले किया। इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इन्होंने मेडागास्कर मूवी सीरीज में मेलमैन द जिराफ की वॉइस ओवर का रोल प्ले किया है। 2020 में डेविड एज अ मेन कैरेक्टर ब्रिटिश सिटकॉम इंटेलिजेंस पर दिखे हैं। श्विमर ने 1990 में एक सिंगर और सॉन्ग राइटर नेटली इम्ब्रुग्लिया को डेट किया है। 2007 में ये एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जो बकमैन के साथ रिलेशन में आए और 2010 में इनसे शादी कर ली। श्विमर और जो को 2011 में एक बेटी हुई और 2017 में इन्होंने कहा कि यह कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेंड सीरीज में इनका और रेचल का जो सीन फेमस है, वी वर ऑन अ ब्रेक, वैसे ही इन्होंने जो बकमैन के साथ अपने थोड़े दिनों के स्पेस को भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे ही अनाउंस करा। बट उसी साल 2017 में ही इन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। ये सेंटा मोनिका के एक रेप ट्रीटमेंट सेंटर के एक्टिव डायरेक्टर हैं, जो कि डेट रेप और चाइल्ड रेप विक्टिम्स को हेल्प करते हैं। इन्होंने कुछ ड्रग्स को बैन करवाने के लिए भी कैंपेन्स किए हैं। इन्होंने 2012 में दो रूमर्स के लिए क्लियर किए हैं कि पहले इन्हें 1988 की मूवी बायलॉक्सी ब्लूज में एक सोल्जर की तरह दिखा गया, कहीं ये भी कभी उस मूवी में नहीं थे, और दूसरी कि ये डांसर लेसी श्विमर से रिलेटेड हैं। इन्होंने कहा है कि ये एक नेचुरल अजम्पशन है क्योंकि इन दोनों का लास्ट नेम सेम है, पर ये कभी लेसी से नहीं मिले हैं। श्विमर को 1996 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय एन एंसेंबल इन अ कपल एजी अवार्ड मिला। 2000 में इन्हें एडिटर्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें और भी क्यों अवार्ड्स मिले हुए हैं, क्यू मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड अवार्ड्स मिले हुए हैं, और इन्हें एमी के लिए भी नॉमिनेशन मिली है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताए, और आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस।